नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव, मैं क्लासिक सर्जन हूँ, रेंटोलॉजिस्ट हूँ, पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का वीडियो हम बना रहे हैं पी शॉट की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, पी शॉट कैसे दिया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। पेशेंट हमारे पास आया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ग्रसित था पिछले 4 महीने से। सबसे पहले हमने उसे यही बताया, मेडिसिन ले रहा था व्याग्रा, हमने उसे कहा कि हम पी शॉट पे आपको पी शॉट से ट्रीट करेंगे। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हमने पी शॉट किस तरह से मरीज को दिया। अगर आप देख रहे हैं इस पेशेंट को, हमने सबसे पहले ओटी में लिया, किसी तरह का कोई भी पेशेंट बिल्कुल होश में है। हमने उनके पेनिस पे शुरू में लोकल एनेस्थीजिया लगाया कि क्रीम लगाई, वो क्रीम के ऊपर एक कवरिंग थी जिस कारण से वो क्रीम पेनिस की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। जब ये स्टेप हो गया, 10-15 मिनट का, इसमें 15 मिनट का टाइम लगता है, उसी वक्त में हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लिया। उस ब्लड सैंपल से हमने उसको एक स्पेशल ट्यूब में डाला और उसको सेंट्रीफ्यूज यानी तेजी से घुमाया, जिससे उसका जो ताकत वाला ब्लड है जिसको प्लाज्मा या पीआरपी कहते हैं वो अलग हो गया। उसको अलग होने के बाद उस पीआरपी का जो पीले रंग का आपको खून दिख रहा है, इसने जो सिरिंज में पीले रंग का है ये खून, ये ताकत का ब्लड है। इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अंदर हील करने के लिए जो भी ताकत की जरूरत होती है वो सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसको हमने निडल में लिया और पेनिस के हर जगह पर लगाया, ऐसा कोई भी एरिया हमने नहीं छोड़ा। नीचे बेस से शुरू किया, मिड शेफ्ट में और उसके बाद ग्लैंड पेनिस में लगाया और मल्टीपल इंजेक्शन लगाए। पेशेंट इस दौरान पूरा कंफर्टेबल रहा। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये इंजेक्शन मल्टीपल है, बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन पेशेंट को किसी भी इंजेक्शन में कोई चुभन या ब्लीडिंग नहीं होती, तो बिल्कुल सेफ है। ये पेशेंट हमारे पास आया, हमने इसको सुबह इंजेक्शन लगाए, मल्टीपल इंजेक्शन, आप देख रहे हैं कितने इंजेक्शन लगे हैं। इंजेक्शन लगने के फौरन बाद इस पेशेंट ने अपने कपड़े पहने और ये ऑफिस की ओर चला गया। हमने इसमें किसी भी तरह की पेन किलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो हमने पेशेंट को इतने इंजेक्शन लगाए लेकिन पेशेंट में के पेनिस से कहीं पर भी ब्लीडिंग नहीं आई, पेशेंट ने उफ तक नहीं की, पेशेंट बिल्कुल आराम से लेटा रहा, वो पूरे होश में है और उसको इतना भी पेन नहीं है कि वो हल्के से भी अपना कोई भी हिस्सा, पैर हाथ हिलाए। तो इतने कंफर्टेबल पोजिशन में हमने ये पी शॉट दिए और पेशेंट इसके बाद सीधा बिना किसी पेन किलर, बिना किसी और मेडिसिन के ऑफिस की ओर चला गया। इस पी शॉट का सबसे ज्यादा फायदा है कि ये जो पी शॉट है ये बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी थेरेपी है, ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को यहां से लेके जाता है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये इसने इसकी थेरेपी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो अगर आपको माइल्ड से मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आप पी शॉट को जरूर चांस दें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, इसमें कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, इस तरह ताकि आपको हम जो भी नए नए वीडियो बनाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.